जिसका नाम है साराय कबाब। ये आपका नाम देखो, वो देखो क्या लिखा वहाँ पे, सारा कबाब। सारा कबाब। नाश्ते में मिठाई, वाह, चाय के साथ, क्या बात है। मेरे ऊपर नहीं चलाना, मेरे ऊपर नहीं चलाना, मेरे ऊपर नहीं चलाना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम मिथुन की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अलहमदुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम मिथुन की दुनिया। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यस यस, देयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल आइकन्स, ताकि आप लोगों को मेरी न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे। आज है जुम्मा, तो आप सबको बहुत 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 जुम्मा मुबारक एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड प्लीज प्रे फॉर माई चैनल की जल्दी से बहुत बड़ा बन जाए। एंड यस, आज हम लोग जो है जा रहे हैं, बस अभी बस 5-10 मिनट में जो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग ने जाना है दूसरे टाउन, एक्चुअली यही है कि वहाँ पे कोई सेमिनार है, तो हमने सोचा कि दूसरे शहर और दूसरे शहर, वहाँ पे थोड़ी सी ग्रोसरी भी हो जाएगी, माँ बाबा का यानी कि एक आउटिंग भी हो जाएगी, और सारा हमारे साथ नहीं हो गया। एक्चुअली सारा का है बैलेट क्लास, जो उसको बहुत आज लास्ट क्लास है इसलिए उसको अटेंड करनी ही है, फिर उसके बाद वो अपनी फुप्पी की तरफ चली जाएगी। दैट इज व्हाट शी इज वेरी एक्साइटेड फॉर, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं होगी। आई एम गोना मिस हर, बट सारा इज गोना हैव फन विद हर बोबो, राइट? है ना सारा, यू गोना हैव फन विद एंजो एंड बोबो एंड ओलिविया एंड ओलिवर। यस, सारे बाहर आ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं। इनको मैंने बाहर निकाल दिया ताकि जो है ना ये लोग मस्ती करते रहे। ऐसा मतलब ट्विंकल जो है ना, पता नहीं कैसे कैसे करके इनको, कितने जुगाड़ करके इनको बाहर निकालती है, बट मैंने इसलिए इनको निकाल दिया पहले। सारा फिर से ना पाँव रख देना। हाँ, मैंने गलती से की, लेकिन मुझे दिया, सॉरी किया ना। हाँ, गुड। मैंने से ना इनको छपी दी सारी कहने में, और फिर उन्होंने मुझे छपी दी। उन्होंने आपका सॉरी एक्सेप्ट किया ना, इसलिए। मामा, सारा की वेलकम पेंटिंग देखना। सारा और फजर लिखा है, एक सारा और एक फजर। मामा आपने देखी? ये देखे वेलकम पेंटिंग। सारा I'm so happy, मैं बहुत खुश हूँ। बट सारा खुश नहीं है। सारा का प्लान, उसने अपने अपने बोबो के साथ जाना था, अपने फूफो के साथ। बोबो ने मना कर दिया, हम क्या करें, वो बिजी हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आप खुश नहीं है? नहीं, मैं अब रोऊंगी। सारा खुश ही नहीं है मेरे साथ आके। मैं खुश हूँ, सारा हमारे साथ जा रही है, पर सारा खुश नहीं, इसलिए मैं सैड हो गई। एनीवेज, प्लान चेंज हो गया क्योंकि सारा को जो उसकी पुप्पी ने पिकअप करना था वो अब नहीं कर पाएगी। सो दैट्स व्हाई शी इज गोइंग विद अस। हम लोग यहाँ पहले आए हैं पाकिस्तानी स्टोर, थोड़ी शॉपिंग ग्रोसरीज करने के लिए, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत शायद घूमे फिरेंगे अगर टाइम होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो है 7 बजने वाले हैं। सो देखते हैं कितना क्या कर सकते हैं। चल आजा मामा, हो गया। ज़्यादा कुछ देखने का करने का टाइम तो था नहीं, वरना हम शायद कहीं अच्छी सी जगह पे भी जाते, लेकिन हम यम्मी यम्मी यहाँ पे हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, जिसका नाम है साराय कबाब। ये आपका नाम देखो, वो देखो क्या लिखा वहाँ पे, सारा कबाब। सारा कबाब। ये हमारा भाई फेवरेट रेस्टोरेंट है। मामा पापा जब भी डेनमार्क आता है, हमारी कोशिश होती है कि इस रेस्टोरेंट में हम आए और खाएं। तीन बार हो गया था। चल फिर से, रॉक पेपर सीजर्स। अच्छा, टाइप ऑफ रायता इसे कहते हैं तजाज़िकी, नहीं टर्किश में इसे कहते हैं तजाज़िकी। और ये हुमस और विद ब्रेड, यम्मी सारा और ये रही दो अदद आइसक्रीम की दीवानियाँ आइसक्रीम खाते हुए। आइसक्रीम की दीवानी नंबर 1, आइसक्रीम की दीवानी नंबर 2। कैसी है? मुझे तो इतनी खास नहीं लगी, बताओ कैसी है? आप बताओ कैसी है? आपको अच्छी लगी क्या? बंद, हम अंदर बंद हो गए सारा, हम अंदर बंद हो गए। अब क्या करें? We have to stay here। गाइस ये जो लड़का है ना, मैं कब से सोच रही थी कि किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, और अब मुझे याद ध्यान में आ रहा है कि किस जैसा दिख रहा है। मैं बिग बॉस में जो पारस छाबरा था ना कंटेस्टेंट, ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, बिल्कुल उसके जैसा। लाइक वो कहते हैं ना कि जैसे कि वो कहते हैं ना कि एक शक्ल के जो है 7 लोग होते हैं इस दुनिया में, तो मेरे ख्याल से पारस छाबड़ा का नंबर 2 तो मैंने ढूंढी है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स बताइए कि ये वैसा लगता है कि नहीं लगता है। एम आई राइट? सारा इज सो क्यूट ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, इसको ना टेबल के नीचे कहीं लगी हुई चिंगम मिल गई, तो इसने ना काउंटर पे भी बताया उन लोगों को, वेटर को भी बताया वहाँ पे कि मुझे टेबल के नीचे चिंगम मिली। अच्छा वो मुझे मिल गई, किसी और को नहीं मिल गई, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फिर कहती है कि अब अगली बार ध्यान रखिएगा, जल्दी से हटा लो, इसे साफ कर। ये जो हमारी मैडम है ना, ये वाली मैडम क्यूटी पाई, अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा किया उनको बता के, ऐसा करना चाहिए, बताना चाहिए ताकि वो साफ रख सके जगह, है ना। हाँ जी, इन लोगों को पता चल गया मैं आ गई हूँ, ये लोग दरवाजे के आ गई है। वो देखो कौन आया, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी भी उधर ही, अस्सलाम वालेकुम। बीबीश कहाँ है अलसा? हाँ किधर है बताओ? अस्सलाम वालेकुम। इधर क्या है बेबीज, कहाँ से लाया बच्चों को? अच्छा 2 वो रहे, बाकी ये कहे भाई, एक ये रहा, एक ये सोफे पे, चौथा कहे भाई? ये देखो मेरे पास फौरन कौन आया, चल मैं आपको आपके जब मैं इसमें डाल दूं, ला ये निकल आई, चौथी भी आ गई। आ जाओ मेरा बच्चा, चलो चलो आ जाओ। ये कैसे सो रहा है, हिल ही नहीं रहा, मस्त सोया हुआ। केविन हम आ गए। मामा से मस्त सोया हुआ, हिल ही नहीं रहा। चला ग्रोसरीज में हमने ऑयल लिया, कितनी सारी दालें ली हैं, फिर पाकिस्तानी आम मिल गए, मिठाई, स्नैक्स, फिर चावल, आटा, ये सब चीजें जो है आ गई हैं। अगले मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ द नेक्स्ट डे सैटरडे, और सुबह के बज रहे हैं 11 बजने वाले, पौने 11 हो रहा है। एक तो कल रात इतना लेट आया ना कि सोते सोते बज गए 3-4 बज गए थे, और मेरे पास कोई टाइम नहीं था एडिटिंग का या वीडियो एंड करने का, और कोई एनर्जी भी नहीं थी। मैसेज हो गई थी, चलो क्यों नहीं वीडियो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज जो है ना लड़कियों का कॉन्सर्ट है, अभी विदिन एन आवर और सो हम लोगों को निकलना है, आधे घंटे तक मेरे ख्याल से भी निकलना है। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोग उठे हैं, और अब बस तैयार हो रहे हैं और निकल रहे हैं हम लोग। काफ़ी बिजी, कल तो सारा दिन बहुत बिजी रहा है, और अब हाँ आधा दिन तो बिजी है क्योंकि कॉन्सर्ट है, तो कॉन्सर्ट के बाद जो है हम लोग घर आएंगे। आई डोंट नो, आई थिंक 1 बज जाएगा। चलो जी, हो गया तैयार। अब जल्दी से कुछ खाते हैं क्योंकि 11 बज गए हैं और आधे घंटे में निकलना है। बट गाइस लेट मी टेल यू कि 3-4 बजे सो के 10 बजे उठना जो है ना, इट इज़ नॉट अ जोक, स्पेशली तब जब यू हैड अ लॉन्ग बिजी डे एंड देन इतना थक के आप सो जाओ और फिर फौरन ही जो है ना 5-6 घंटे में उठ जाओ। इट्स नॉट अ जोक, लाइक लिटरली इट इज़ नॉट अ जोक। नाश्ते में मिठाई, वाह, चाय के साथ, क्या बात है। I keep telling him all this. Whenever he asks me something, some meaning, what does that mean? I tell you 2 meanings. One is with expressions, one is the literal meaning. Different word. Spray kar do. Nasir, spray kar do. That means just do it. करो ना 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 ना। बाबा कल जाके कुछ और किया है ना, किया हो या ना हो, लेकिन आम और मिठाई मिलेगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एटलीस्ट आम और मिठाई मेन चीज थी ना। जो दूसरी चीजें तो आप कहीं वैसे भी ले ले तो मिल ही जाती है इधर उधर से भी, लेकिन इतनी अगर दूर गए हैं तो उसका जो वो फायदा हुआ है ना, वो आम और मिठाई है। क्योंकि हम थोड़ा लेट भी गए थे तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। यहाँ बच्चों की कार रेस कह रही, साइकिल रेस हो रही है। ठीक है, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है भाई। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे। ना सिर्फ साइकिलिंग कंपटीशन बट यहाँ पे इस तरह सारा यहाँ लाइब्रेरी में आई है कुछ बुक्स लेने के लिए आई के साथ। आई डोंट नो इफ शी इज स्टिल हियर बट लेट्स सी इफ शी इज स्टिल हियर। सरप्राइज हर बट आई कांट सी हर एनीवेयर, सो आई डोंट नो इफ शी इज स्टिल हियर। आई कैन हियर ये सारा, यू सॉ मी। मेरा सरप्राइज ही खराब हो गया। ये क्या है? गेम प्लेइंग? व्हाट आर यू प्लेइंग? पीछे करो, अब पीछे करो, नहीं ऐसे, हाँ ऐसे। चलो, नहीं ऐसे नहीं, दूसरे ऐसे। मेरे ऊपर नहीं चलाना, मेरे ऊपर नहीं चलाना, मेरे ऊपर नहीं चलाना। नहीं भी आइसक्रीम, आज भी आइसक्रीम, वाह भाई। और सारा मौजे मौजे आइसक्रीम, आइसक्रीम चेहरा नहीं। स्माइल देखो। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं घर आके सो गई थी, बहुत थक गई। जैसे आप लोगों को पता ही है कि सुबह भी जो कल रात भी नींद पूरी नहीं थी, सुबह जल्दी उठ गए थे। सो आई वाज वेरी वेरी टायर्ड। अभी भी सर में बहुत दर्द था, पर एनीवेज इससे पहले कि मैं फिर से भूल रहा हूँ इस वीडियो को एंड करना, सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो हियर एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। से दुनिया स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज वी डू नॉट नीड नेगेटिविटी अराउंड अस इन दिस वर्ल्ड। लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी टुगेदर। अल्लाह हाफिज।